गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज निखिल जतवानी। से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि संडे को मेरा कॉम्पिटिशन है 10th of July का, और आज है 10th of July। सो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं 6 बजे के अराउंड उठ गया था। मैं फुल रेडी हूँ, मेरा बैग रेडी है, मैंने अपनी व्हील सी बैग में ले लिया हूँ। मैंने अपना वेट भी चेक कर लिया, तो मैं आपको अपना वेट दिखाता हूँ अभी। और एक बात, जो मेरा बेल्ट है मैं अपने जिम में ही भूल चुका हूँ। यहाँ से जाऊँगा अपने जिम और जिम से अपना बेल्ट लूँगा। जिन लोगों का आज कंपटीशन है मेरे साथ, हम लोग साथ में जाएंगे। अभी चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं। मैंने अपनी मील भी प्रिपेयर कर लिया था मम्मी से, जो मैंने इसमें पैक करवा दिया हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया अभी। सो चलते हैं। थोड़ा नर्वस हूँ अपने आप को ठीक रखने के लिए, थोड़ा सा बात ज़्यादा कर रहा हूँ मैं अभी, क्या पता, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा अलग फील हो रहा है। बट ठीक है, जो भी हुआ देख लेंगे, अपना बेस्ट देना है। फर्स्ट कॉम्पिटिशन है, लास्ट नहीं है, इसको मचाएंगे अपन अच्छे से। हारेंगे भी तो पॉजिटिव वे में लेंगे, जीतेंगे तो बहुत अच्छा। जिन जिन लोगों ने विश किया है उनकी दुआ काम आ जाएगी, समझूंगा। मिलता हूँ सीधा मैं आपसे, वहीं चल गया। पहुंच गए और फिर आते से ही वहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो हम लोगों ने जाके अपनी वेइंग दे दिए। और फिर अभी देखो यहाँ पे अभी भी लोग वेइंग दे ही रहे थे, काफ़ी ज़्यादा क्राउड आने लग गया था, और इसके बाद और ज़्यादा क्राउड आया। तो गाइस मैं घर आ चुका था और मेरा कंपटीशन अब कल डिले हो गया है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लोग आ चुके थे। मेरे एक फ्रेंड है जो असंग और गिरीश, उनकी कैटेगरी अभी होने वाली है 66 तक, बाकी डिले कर दिया है कल के लिए। तो मेरा और अमर सर का कल है, ठीक है। तो मैं घर आया, मैं घर आके देखा स्टोरी मेरे फ्रेंड की, वो मिला है साहिल खान से। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ पे है, तो मैं जा रहा हूँ अभी, देखते हैं। वो एक 40 मिनट्स पहले की स्टोरी थी, वो अभी देखते हैं, अगर वहाँ पे जा ही रहे ऋतिक और मैं, अगर मिलता यूथ आइकॉन तो मजे आ जाएंगे, तो अगर निकल गए तो बैड लक, मिल गए तो अच्छा है। गाइस आ गए वापस, चले गया साहिल खान 15 मिनट पहले, ये पता नहीं कहाँ गया होगा, अभी उसको कहाँ ही ढूंढेंगे, स्टोरी भी नहीं डाली है कहीं पे। और किस कारण, सिर्फ और ट्रैफिक के कारण। इतना ट्रैफिक संडे को क्यों है यार, हो गया अभी ट्रैफिक के कारण लफड़ा, ट्रैफिक की मार। Ah!
होती है। चलो चलो निखिल इसे या मेरी फर्स्ट लिव फेल हो गई। चले निकल इजी है, बैठना नहीं है बिल्कुल, बैठ के उठना है, उठना है, फुल स्ट्रेंथ से मारो, चलो अप, वेरी गुड, चलो 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 इजी है बॉय। तो फिर मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए गया, मैंने अपनी डेप दिया और मैं ऊपर आया, पर उसके बाद मैं रैक करने के बाद जब मैं देखा तो उन लोगों ने मुझे नो लिफ्ट दिया था, आई डोंट नो व्हाई। तो मेरे पास ये लास्ट चांस था गेम में रहने का, अगर ये अटेम्प्ट फेल होता तो मैं गेम के बाहर हो जाता। चले निकल इजी इजी, चलो 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 कम ऑन इजी, रेडी बॉय, चल जाएगा जाएगा, चल 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 कम ऑन इजी इजी है, इजी है, आ जाएगा आ जाएगा। और ये लिफ्ट में मुझे गुड लिफ्ट मिल गया और मैं गेम में आगे रहा। Easy. और यहाँ वार्म अप के तुरंत बाद मेरा लिफ्ट रेडी हो चुका था, मैं गया और मुझे लिफ्ट करना था। फोकस फोकस इजी निखिल, आराम से
What's it? It was at this moment that he knew he fucked up. लिफ्ट काफी ज्यादा अच्छी थी बट मैंने अपना पैर बाहर के आगे रख दिया सो नो लिफ्ट. चल रहा निखिल चले इजी. पीछे से पीछे से. द्वितीय क्रमांक असान नंदेश्वर वासवानी. मी विनंती करतो गिरीश मेडल देना. मी विनंती करतो भगत सरांना की त्यांनी विजय खेळाडूचं मेडल व सर्टिफिकेट देऊन अभिनंदन करावं. तृतीय क्रमांक युगेन स्मिथ. हसलो दो मेडल है. हसलो बढ़िया. हर्षल नानटकर रोशन फिटनेस अमर दिवा. अमर सर ओपी. जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं स्क्वाट्स में जितना आगा हूँ और बाकी मेरे सारे दोस्तों का गोल्ड लगा है. अमर सर का, असंग का, गिरीश का, सबका गोल्ड आया. और उनका बेंच प्रेस में भी गिरीश को छोड़ के बाकी उन दोनों का बेंच प्रेस में भी मेडल आया सिल्वर दोनों का शायद कुछ तो भी ऐसा था. तो मैं स्क्वाट्स में क्यों आगा क्योंकि मैं जैसे ही मेरी कैटेगरी स्टार्ट हुई ना मैं वार्म अप करने गया. मैंने वार्म अप 60, 90, 110 और 130 से जैसे ही किया और मेरा लिफ्ट के लिए कॉल आ गया. तो मेरा पहला लिफ्ट फेल हुआ. सेकंड लिफ्ट मैंने डेप्थ किया मेरे हिसाब से बट आप लोगों को देखो आप लोग बताओगे डेप्थ नहीं लगी तो उन लोगों ने तो नो लिफ्ट किया. और थर्ड लिफ्ट में इतना डर चुका था अगर मैं वो लिफ्ट क्लियर नहीं करता तो मुझे वो लोग ना बेंच खेलने देते ना डेड लिफ्ट. सो मैंने कैसे भी करके कर लिया और बेंच में मैंने कर लिया अपने ठीक ठाक और डेड लिफ्ट में भी जो मैं करता हूँ हमेशा उतना कर लिया. आप बोलोगे एक्सक्यूजेज है ठीक है एक्सक्यूजेज है कोई बात नहीं बट आज आ रहा हूँ नेक्स्ट टाइम मारूंगा थर्ड टाइम मारूंगा फोर्थ टाइम मारूंगा बट रुकूंगा नहीं एक दिन गोल्ड जरूर लाऊंगा. पहला कॉम्पिटिशन आखिरी नहीं ठीक है तो क्या ही कर सकते. Wait a minute. Who are you? So guys, ये हो गया सैड मोमेंट. मैं अपने दोस्तों के लिए रुका था प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो पहले गिरीश का आया प्राइस मेडल आया फिर असंग का आया फिर अमर सर का आया. नहीं पहले असंग फिर गिरीश फिर अमर सर का. तो फिर 83 कैटेगरी में तो हमारे में से कोई नहीं था तो हम रुके. हम 93 कैटेगरी में मैं बस आने वाला जैसे अनाउंस होने था 93 कैटेगरी में ऐसे बैठा था
मैंने सर अम्मा सर को बोला सर मेरा टोटल 450 आया है, अगर मैं और स्क्वाट्स में अच्छा करता तो शायद मेरा थर्ड लग जाता। मैंने बस बोला और वहाँ से अनाउंसमेंट हुई 93 कैटेगरी में थर्ड प्लेस तुम्हारे भाई की, तुम्हारे भाई को मेडल मिला है और ये अभी तक ऋतिक को भी नहीं बताया मैंने। हाँ साले कांग्रेचुलेशन बोल, कांग्रेचुलेशन बोल, ये इसकी जगह यहाँ है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मेडल है मेरा। स्क्वाट्स में मैंने हक दिया लेकिन वो कवर किया मैंने बेंच और डेडलिफ्ट में। वो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ ना तो अमर सर असंग गिरीश तीनों का गोल्ड था लेकिन अपनी अपनी कैटेगरी में, वो लोग उनकी कैटेगरी कम थी, मेरी कैटेगरी में ज्यादा 93 की कैटेगरी में था। सो जब उन लोग को पता पड़ा मेरा है तो उनके चेहरे पे स्माइल गोल्ड मेडल के टाइप नहीं आई जितनी मेरे मेडल में आई वो लोग, क्योंकि उनको भी लगा था कि नहीं होगा। क्योंकि मैंने जब मैं अपने अटेम्प्ट्स कर रहा था मैंने सोचा भी नहीं था, मैं देख भी नहीं रहा था कि मेरे से आगे कौन चल रहा है या मेरा कोई मेडल मैं थर्ड आ सकता हूँ क्या, कुछ नहीं कर रहा था मैं, बस अटेम्प्ट कर रहा था। क्योंकि मैंने स्क्वाट्स में आगा था ना तो उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैंने अपना डेडली बॉल बेंच में किया मैंने अपना बेस्ट और ये ब्रॉन्ज मेडल आया है। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा मेरे लाइफ का फर्स्ट मेडल है ये, और साथ में तुम्हारे भाई का ये सर्टिफिकेट भी आया है। देखो पहला मैं पापा को भी अभी तक नहीं बताया हूँ, किसी को नहीं बताया हूँ, ऋतिक को भी अभी पता पड़ा है। सो सॉरी मजाक कर रहा था, जीत गया हूँ मैं। बाकी जिन जिन लोगों ने विश किया था उनकी विश काम आई है गाइस, मेरे को मेडल मिला है, बट सेटिस्फाइड नहीं हूँ। नेक्स्ट में आएगा गोल्ड पक्का लाऊंगा और ये गेम अभी रुकेगी नहीं, हमेशा चालू रहेगी। अभी लगी है बहुत ज्यादा भूख, अभी जा रहा हूँ घर, सबसे पहले कुछ खाऊंगा फिर मिलता हूँ इन लोगों से आके, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ अगर भाई मानते हो ना दिल से गाइस ये वीडियो को बहुत शेयर करो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा मतलब मैं लाइफ में कभी इतना खुश नहीं हूँ जितना मैं आज खुश हूँ, ठीक है। अगर दिल से भाई मानते हो ना प्लीज शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। तो अभी आप मेरा विनिंग मोमेंट देखना, मेरे चेहरे से स्माइल नहीं जा रही थी, तो अभी आप आगे देखो मेरा विनिंग मोमेंट। समीर जायसवाल यांनी 560 किलो वजन उचलून प्रथम क्रमांक पटकावलेला आहे। तृतीय क्रमांक ज्योतवाणी एक्सपो फिटनेस विजय। मी विनंती करतो प्रमोद जी घालवंटे सरांना की त्यांनी विजय खेळाडूचं मेडल आणि सर्टिफिकेट देऊन अभिनंदन करावं। सर्व प्लेयरनी शांतता राखावं, आपल्या जागी बसून जा। समोर सर्व विजयी खेळाडूंचे अभिनंदन व मान्यवरांचे आभार। यानंतर 107 किलो वजन यामध्ये तृतीय क्रमांक। गाइस देखिए आपने मेरा विनिंग मोमेंट, मेरे चेहरे से स्माइल नहीं हट रही थी, ठीक है। और मैं अभी घर आया हूँ, मैं मॉम डैड को बोला, मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश है। और जब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि सब लोग आए थे बढ़िया अपने कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम चेंज करके मेडल लेने के लिए, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मैं काउंट ही नहीं कर रहा था अपने अटैम्प्ट्स के बाद, मैं बस जा रहा था अपने अटैम्प्ट कर रहा था, क्योंकि मैं स्क्वाट में आगा मेरा बहुत मूड ऑफ था। सब लोग आए थे अपना कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम बन के, मैंने कॉस्ट्यूम भी चेंज नहीं, क्योंकि मेरे को मेडल में सोचा मिलेगा नहीं, घुस गया। देखो मिरर में देख रहा होगा, मैं अपने कॉस्ट्यूम निकाला बस जो अंदर पहन था वही पहन के मैं चले गया बस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने विश किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और जीता हूँ। आप लोग भी ज़्यादा बहुत खुश होंगे, मैं जानता हूँ आप लोग भाई मानते हो मुझे, मैं तो इसका उतारने से रहा, मैं ऐसे ही सोने वाला हूँ रात को। Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month, but only one thing is true, I will be champion one day, I promise, I promise.